अचानक जदयू ऑफिस जाना और फिर वहां से सीएम नीतीश का राबड़ी आवास पहुंचना और सडन कैबिनेट की बैठक बुलाना, इन तीनों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। क्या खबरें छानकर सामने आ रही है सर? बिल्कुल मनीष, आज मतलब सब कुछ एक तरह से कहा जाए तो अचानक हुआ है। और अचानक सबसे बड़ी बात ये रही कि कल कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है। उसी बीच में बख्तियारपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए नीतीश कुमार। 5-10 मिनट के आसपास जेडीयू नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद सीधा राबड़ी आवास चले गए। कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास में लालू यादव से तो मुलाकात नहीं हुई है उनकी, चूंकि लालू यादव नहीं थे वहां पे, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है। अब इस बातचीत से, जेडीयू ऑफिस जाने से और कल स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुलाने से राजनीतिक गलियारों में कई तरीके के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला जो चर्चा का विषय है वो ये है कि खबरें सामने आ रही है कल से ही कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है बिहार में, उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की कवायद चल रही है। इस मामले में एक आंतरिक कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है, यानी सीएम नीतीश कुमार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और खबर ये चल रही है कि दशहरा से पहले सीएम नीतीश कुमार या नीतीश तेजस्वी की सरकार शिक्षकों को राज्य बड़ा तोहफा है। कर्मी का दर्जा देने के बाद बड़ा तोहफा दे सकती है, और दशहरा से पहले। और ये चीज कल जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है स्पेशल, उसी में संभव है, ऐसा माना जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है प्रदेश कार्यालय में भी नेताओं से या फिर तेजस्वी यादव से मिलकर भी। इसके अलावा सीट शेयरिंग का मसला भी फंसा हुआ है। आई इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस 9 सीटें डिमांड कर रही है 2019 की तरह। भाजपा यानी वाम दल भी 7 से 8 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में कितनी कितनी सीटें किसको दी जाए, इस पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि खबरें जो छन रही है उसके मुताबिक बराबर बराबर सीटें जेडीयू और आरजेडी को मिलने जा रही है। उसके अलावा 7 से 8 सीटों में ये लोग कांग्रेस और वाम दलों को समेटना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि कितने पर बात बनती है। वैसे खबर ये भी आ रही है सामने कि इससे पहले एक बैठक होगी दिल्ली में, जहां पर राज्यस्तरीय कमेटी बनाने की बात की जा रही है कि राज्यस्तरीय कमेटी बनेगी, तब जाकर के सीट चेयरिंग का मसौदा फाइनल होगा और उसमें जो भी पेच फंसेगा, वो जो शरद पवार के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो इस मसले को सुलझाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव जो हैं ये कह चुके हैं कि सीट बंटवारे में कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास जो खबर है, बिल्कुल कल कुछ बड़ा फैसला नीतीश सरकार ले सकती है। इससे पहले भी जो नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, आपको पता भी होगा कि आज भी उनकी बैठक होने वाली थी लेकिन वो अचानक रद्द हो गई, कैंसिल कर दी गई। बख्तियारपुर गए वो, फिर जेडीयू ऑफिस गए, फिर राबड़ी आवास गए। तो नीतीश कुमार भी विधायक, सांसद, अलग अलग प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और प्रवक्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं और कल भी विधानसभा के प्रभारियों के साथ वो बैठक करने वाले, जो आज होने वाली थी। लालू यादव नीतीश कुमार की जो मुलाकात हो रही है, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो कई बार मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के हर बार जब भी नीतीश कुमार जाते हैं तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। फिलहाल दो तीन चीजें जो तुरंत तुरंत हैपनिंग हुई है उसमें यही है कि नीतीश कुमार शायद सब लोगों से मन टटोल रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं, और उसके बाद चूंकि एक बड़ी संख्या है नियोजित शिक्षकों की, जो कि सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका है उनकी। आपको याद होगा कि यही शिक्षक नाराज थे, यही वजह थी कि तेजस्वी यादव बिल्कुल 2000 जो चुनाव था, 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें तेजस्वी यादव यही नौकरी रोजगार के नाम पर, 10 लाख नौकरी देने के नाम पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग, मतलब वादा करके, तब वो महज 15,000 वोट कम लाए थे, इसी वजह से उनकी सरकार नहीं बनी थी। नहीं तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और नीतीश कुमार विपक्ष में होते। तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार ये जानती है कि शिक्षकों को नाराज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, तो
इसीलिए बहुत मुमकिन है कि कल जो स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसमें नियोजित शिक्षकों को 4 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, इसका ऐलान हो सकता है। और इस सारी कवायद नीतीश कुमार की उसी को लेकर है ऐसा कहा जा रहा है। मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।